वेलकम बैक फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आप आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं आधार से रिलेटेड वर्क, आप भी लेना चाहते हैं आधार का एनरोलमेंट एजेंसी या आधार की ई गवर्नेंस वाली पोर्टल, तो आप किस तरीके से उसमें उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है आपके लिए आधार का, आपके पास ऑपरेटर का या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप आधार के ऑपरेटर और सुपरवाइजर के सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें फ्रेंड, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं नया वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड, चलिए ले चलते हैं हम आपको आपके लैपटॉप की होम स्क्रीन को, बता देते हैं आपको कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप उसमें XML फाइल किस तरीके से बना पाएंगे, किस तरीके से उसका यूजर आईडी ले पाएंगे, क्या क्या आपको इसमें प्रोसेस करनी पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सिंपली आपको यहाँ पे XML वाले ऑप्शन पे जो ये वाली वेबसाइट दी गई है इसके नीचे ये लिंक दी गई है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इधर से सिंपली एक छोटा सा प्रोसेस करना है। इधर नीचे आके आपको अपना मोबाइल नंबर इस पर डाल देना है। इस तरीके से आपको यहाँ से फिल कर लेना है, इधर से कैप्चा कोड आपको इधर से इसमें फिल कर लेना है और सिंपली सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से OTP पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक आपके आधार नंबर पे OTP चली जाएगी। तो इधर से OTP डाल लेनी है। जैसे ही इस पर OTP डाल लेंगे तो सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपका जो XML फाइल है वो आपकी बन के यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो फिर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ से ऑफलाइन आधार 2021 ये यहाँ से डाउनलोड हो गई है। तो इसको यहाँ से सो इन फोल्डर करके आपको क्या कर लेना है, ये मेरी XML फाइल है, XML फाइल मुझे यहाँ से कॉपी करके आपको भी सेम प्रोसेस करते जाना है, डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप पर रख रहेंगे तो सिंपली आपको वापस इस वाले ऑप्शन पे चला जाना है। इधर से आपको क्रिएट न्यू यूजर पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड जो XML फाइल हमने बनाई थी वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अपलोड XML फाइल। तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज फाइल पे चले जाना है और जो आपकी XML फाइल है वो आपको इधर से इस पे ओपन कर देना है। जैसे ही आप इस पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ये कुछ इस तरीके का आ गया है। इधर से आपका शेयर कोड जो आपने बनाया था उसमें वो शेयर कोड आपको इधर से डाल लेना होगा, इधर से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है जो कि आपके आधार नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो मैं इधर से वो डाल लेता हूँ। इधर से डाल के आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे करेंगे तो मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली है, उसके बाद सेंड मोबाइल OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP और चली जाएगी, देख लेते हैं फ्रेंड वो OTP आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड इधर से अभी मैसेज तो गया नहीं है, अभी यहाँ पे इस पर टाइमिंग चल रही है। तो जैसे ही यहाँ पे OTP मेरे मोबाइल पे आ जाता है तो मैं यहाँ से डाल के आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस सिंपली जो है मैं आपको समझा देता हूँ।
तो फ्रेंड NSEITL से एक OTP मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है। तो OTP ये वाली आएगी आपकी 4 अंकों की, तो आपको इधर से उसको सिंपली फिल कर लेना है। तो मैं जैसे ही इसको डाल लूंगा तो वेरीफाई OTP पे आपको भी क्लिक कर लेना है, सेम प्रोसेस आपको भी करते हुए चला जाना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये वेरीफाई आपको एक के नीचे आपको एक डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर चेक मार्क कर लेना है और इसके बाद ईमेल आईडी वाला जो बॉक्स है इसमें आपको आपकी मेल आईडी फिल कर लेनी है। जैसे ही आप इसमें मेल आईडी फिल कर लेंगे तो शो XML कंटेंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली शो XML कंटेंट पे ही क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो मेरी यहाँ पे एक फोटो निकल के सामने आ गई है। तो इधर से सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, तो इसी तरीके से आपकी जो है फोटो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कंफर्म पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लेगा और सिंपली आप देख पाएंगे कि मेरा यहाँ से जो यूजर आईडी है वो निकल के सामने आ गया है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड मेरा आधार NSEIT से मुझे भेज दिया गया है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। तो ये चीज आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, प्लीज क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इधर से इसमें जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो मुझे NSEIT ने अभी अभी जारी किया है तो मैं वो इधर से अभी अभी इस पर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। UIDN 0625725 ये मेरी यूजर आईडी है और जो पासवर्ड मुझे दिया गया है वो मैं नीचे की तरफ फिल कर लेता हूँ। 5676 इस तरीके से डाल के सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको भी इसी तरीके का सेम प्रोसेस करना है। इस तरीके से डाल लेंगे तो आपको यहाँ से अब जो ओल्ड पासवर्ड आपका दिया गया था आप चाहें तो चेंज करना है आपको, तो यहाँ से वो डाल के चेंज कर सकते हैं। अब मुझे नया पासवर्ड बनाना है तो मैं इधर से नया पासवर्ड बना लेता हूँ। आपको जो भी बनाना है आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ वाला इसमें रख लेता हूँ और चेंज पासवर्ड पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करते हुए चला जाना है। तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो होगा, दिखाई देगा मैसेज योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। तो सिंपली आपको इसको कर लेना है क्लिक। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके का जो है आपका सर्टिफिकेट एग्जाम देने के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप सैंपल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख ही रहे होंगे कि ये सर्टिफिकेट्स का सैंपल जो है वो इधर से नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है फोटो वाला, तो यहाँ पे आपका फोटो लगा होगा। जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट निकल के तुरंत ही दे देते हैं सेंटर वाले जहाँ पे आप एग्जाम देने जाते हैं। इधर पे आपका फोटो आएगा, फोटो के जस्ट नीचे ही वाले ऑप्शन पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा और जहाँ पे योर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे आपका नाम आएगा और जहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली पासड योर लेवल, आपका लेवल क्या है तो वो आपको यहाँ से दिया जाएगा और सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ जारी करके दिया जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो इधर दी जाएगी, आपका सेकेंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश क्या है जो भी आप पढ़ते हैं तो वो इधर दिखाई देगा। डेट ऑफ इशू वाला है वो इधर आएगा, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया वो इधर आएगा आपका, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप देख पाएंगे कि सर्टिफिकेट का सैंपल इधर है। वो सेंटर की डिटेल आपको चाहिए तो सेंटर की डिटेल आप यहाँ जाके फिल कर सकते हैं या अभी या फिल आपको नहीं करना है, आप सिंपली होम पे आ जाएंगे। जैसे ही आप होम पे आ जाएंगे तो अब आपको कौन सी स्टेट में एग्जाम देने जाना है, तो मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देने जाना है, तो मैंने इधर से सिंपली झांसी सेलेक्ट कर लिया। तो आपको जो सिटी आप चाहिए एग्जाम के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऐसे
ये आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आ गया झांसी, सेंटर कोड है आपका 406 और सेंटर का नाम है NSEIT लिमिटेड झांसी। एड्रेस जो आपका यहाँ पे दिया गया है सेकंड फ्लोर 863 चमनगंज सीपरी बाजार नियर पुलिस चौकी लैंडमार्क अपोजिट चमनगंज पुलिस चौकी झांसी उत्तर प्रदेश। तो आप देख पाएंगे कि ये जो है आ गया है। तो क्लिक हेयर टू व्यू स्लॉट अवेलेबिलिटी, तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है कि इसमें स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, तो किस डेट में है। तो सेलेक्ट स्टेट में मैं MP कर लेता हूँ, सॉरी ये सेलेक्ट स्टेट में मैं यूपी कर लूंगा, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट सिटी में मैं झांसी कर लेता हूँ। उसके बाद सेंटर का नाम जो है NSEIT लिमिटेड झांसी, डेट किस डेट में जाना है, तो मैं यहाँ पे 29 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट, फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको जिस डेट में जाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर, सेंटर कोड ये आ गया है, कौन से टाइम में स्लॉट बुकिंग मुझे करनी है, तो वो यहाँ पे एक टेबल शो होके नीचे आ गई है। तो सीरियल नंबर 1246 टाइम स्लॉट है 9:30 से है, 6 सीटें इस पर दी गई हैं, और 4 अवेलेबल सीटें इस पर 2 हैं। तो इस तरीके से कर लेना है। और फाइनली आप तो 28 अक्टूबर में करके देख लेता हूँ। तो फाइनली मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये देख लेता हूँ। तो 23 अक्टूबर का एक बार चेक करके देख लेता हूँ क्या है। तो आप देखेंगे 27 अक्टूबर का भी ये है। तो मैं अब मध्य प्रदेश वाली स्टेट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड सिंपल सा, आपको यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे इसमें स्लॉट बुकिंग नहीं दिख रही है, भोपाल में भी नहीं है, तो मैं यहाँ से छतरपुर का कर लेता हूँ। छतरपुर का करके मुझे कौन सी डेट मिलती है मैं ये भी देख लेता हूँ। 30 अक्टूबर का इसमें भी मैं चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इंदौर की सिटी मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं डेट्स भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन सी डेट मिलती है। इसमें 27 अक्टूबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेंटर कोड मेरा 530 है, ठीक है, एक सीट इसमें खाली है, तो इतना आपको देख के होम पे आ जाना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ आना है, आई हैव फीड, इस पे चेक मार्क करके आपको कंटिन्यू कर देना है। अब आपको भरना है बेसिक डिटेल, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स आपकी क्या है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहें। लेवल ऑफ एग्जाम, तो UIDAI सर्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट ऑफ साइलेंट, ये आधार का जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी यही कर लेना है। एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी, तो मैंने इधर से हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कोड क्या है, तो मैं वो भी इधर से कर लेता हूँ। तो आपको भी सिंपल सा जो नीचे की तरफ है CSE वाला एक देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको भी CSE वाला, CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड 206 वाला, ये आपको कर लेना है। सिंपली आपको इस तरीके से इसको कर लेने के बाद आपको प्रेफर्ड टेस्ट का स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टेस्ट की सिटी सेलेक्ट करनी है, तो मैं इधर से झांसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। झांसी सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट प्रेफर्ड टेस्ट, तो NSEIT इस पर सेलेक्ट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आगे का प्रोसेस कुछ इस तरीके का खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली आप प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म आपको करना है। तो डेट जो है यहाँ से
आप एक बार सारी की सारी जो है डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप इतना कर लेने के बाद आपको प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ के सामने इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 25 अक्टूबर का जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको चेक करना है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ नेट स्लो होने की वजह से प्रोसेस लेगा। उसके बाद फाइनली कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के एक बार फिर से सामने आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि मेरा फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से हो गया है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है आपका, यहाँ पे मिलता है आपको पेमेंट का। तो आप पेमेंट कितना करना है, कितना इसमें पेमेंट करने वाला है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आप ऑलरेडी पेड आपने कर दिया है तो यहाँ पे करके आपको सिंपली यहाँ से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सिंपली आपको ओके कर लेना है। जैसे ही आप इधर से ओके कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बफरिंग लेगा। बफरिंग लेने के बाद फाइनली जो है आपका पेमेंट वाले ऑप्शन पे एक्चुअली फ्रेंड मेरा नेट स्लो होने की वजह से यहाँ से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ से अगेन वापस चला जाऊँगा। तो मैं एक बार प्रोसेस को रिफ्रेश कर लेता हूँ फ्रेंड। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये फाइन प्रॉब्लम जो मेरा कैंसिल ये हो गया है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक बार मैं नेट देख लेता हूँ फ्रेंड इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा नेट तो यहाँ पे ठीक ठाक है। एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो एक बार फिर से फ्रेंड देख 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 लेते हैं। तो ये आ गया है यहाँ से पेमेंट के लिए। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरा पेमेंट जो है वो कट रहा है 470 रुपये 82 पैसे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको भी इसी तरीके से पेमेंट इसको भी करना है। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है, भीम यूपीआई का भी है। तो आप जिस तरीके से करना चाहें आप उस तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो एक्चुअली फ्रेंड मुझे इसमें अप्लाई नहीं करना है, मुझे केवल आपको मात्र बताना था। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से इसमें एक्सएमएल फाइल बना पाएंगे और किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे तो आपको एक यहाँ से इनरोलमेंट जो है पेमेंट का वो आपको यहाँ पर रिसिप्ट मिल जाएगी। जैसे ही आपको रिसिप्ट मिल जाएगी तो सिंपली उसके बाद आपको करना क्या है, वो प्रिंट आपको निकाल लेना है। वो आपका प्रवेश पत्र जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड, वो आपका निकल के आ जाएगा। तो जैसे मेरा 25 का है आज का, ये मैंने कर लिया था। तो मैं चाहूँ तो पेमेंट कटवाने के बाद तुरंत बाद ही मैं उसको डाउनलोड कर पाऊंगा। उसके बाद जो 3 बजे का मेरा स्लॉट बुकिंग हुई है पेपर देने के लिए, तो मैं 3 बजे यहाँ से जा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।